आज की वीडियो इसलिए अलग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पहली बार आपको बताने वाले हैं कि आपको क्यों अभी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए। Hey guys, welcome back to the channel. कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। हेयर ट्रांसप्लांट आज के डेट में इतना ज्यादा नॉर्मल प्रोसीजर हो चुका है कि अगर किसी को हेयर लॉस होने लगता है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है, तो उसके माइंड में सबसे पहला एक ही ऑप्शन आता है जो कि है हेयर ट्रांसप्लांट। पर क्या ऐसा भी होता है कि आपने जल्दी में हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद एक बहुत बड़ी गलती कर दी? क्या ऐसा होगा कि जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिजल्ट आया है वो कुछ टाइम तक रुकेगा भी, या फिर जो बाल आपके पहले से जड़ रहे थे, जो आपको पहले से हो रहा था, वो कंटिन्यू होता रहेगा और सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी? और अगर हेयर लॉस कंटिन्यू रहा ट्रांसप्लांट के बाद तो क्या उसको रोका जा सकता है? और इन्हीं प्रॉब्लम्स को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या बेस्ट टाइम होता है हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का। सो इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर जिन्होंने प्लानिंग कर ली है ट्रांसप्लांट करवाने की और बहुत जल्द करवाने वाले हैं। क्या उनके लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने का ये सही टाइम रहने वाला है कि नहीं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhub.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब देखिए, कुछ लोगों का सिंपली से ये कहना है कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है और आपको हेयर लॉस दिखाई दे रहा है, आपको फील हो रहा है कि भाई मेरा हेयर लॉस हो रहा है, तो आपको जल्दी से किसी हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए और अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा लेना चाहिए। पर इसे करवाने से होगा क्या? आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द से आ जाएगा और आपकी जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम है जो काफी सालों से चल रही है वो एकदम से गायब हो जाएगी। फिर तो हमें ये ट्रीटमेंट जब हमारे शुरुआत में 10 बाल भी झड़े फिर करवा लेना चाहिए, है ना? पर ऐसा तो कोई नहीं करता। बट देखिए, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। हम सबसे पहले प्रॉब्लम्स को रूट तक समझने की कोशिश करते हैं थ्रू द आईज ऑफ द डॉक्टर, राइट? हम किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने के बाद प्रॉब्लम्स की रूट्स को समझते हैं, देन हम उस पर ट्रीटमेंट लेने का फाइनलाइज करते हैं। अगर हम खुद ही सॉल्यूशन ढूंढ लें तो फिर डॉक्टर्स की जरूरत ही क्या है? लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट आपका पहला ऑप्शन कभी नहीं होना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांटेशन शुड बी योर लास्ट ऑप्शन ऑलवेज, राइट? हेयर ट्रांसप्लांट आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। आपने सारे ट्रीटमेंट्स ले लिए, आपने सारी मेडिकेशन ले ली, अगर फिर भी आप हेयर लॉस से परेशान हो, देन आपका लास्ट ऑप्शन होता है हेयर ट्रांसप्लांट, और वही एक ऐसा ऑप्शन है जिससे 100% रिजल्ट आते हैं। क्योंकि कभी कभार होता क्या है कि आपके डाइटरी चेंजेस से, आपका मेडिसिन से, या फिर आपके कुछ डाइट प्लान से भी जो हेयर फॉल हो रहा होता है ना, वो कंट्रोल में हो जाता है, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इस वीडियो के बिल्कुल मेन पॉइंट पे फोकस करते हैं जो कि है मल्टीपल हेयर ट्रांसप्लांट, राइट? अब आज ही मैंने एक बहुत ही रेप्यूटेटेड चैनल में सुना था कि एक इंसान अपने लाइफ में 3 बार हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता है, जो कि राइट इन्फॉर्मेशन भी है। मैं ये नहीं करता हूँ बिल्कुल खराब इन्फॉर्मेशन है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन है, पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि बार बार ट्रांसप्लांट करवाने से आपके डोनर एरिया पे क्या इफेक्ट होते हैं, और उसके बाद आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर जो है, जो न्यू आपके हेयर है, वो कैसे दिखते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जो आपका करंट हेयर लॉस हो रहा है क्या वो रुक जाएगा बिकॉज ऑफ द न्यू ट्रांसप्लांटेड हेयर। आज इसी टॉपिक पे हम लोग फोकस करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, या तो आपका हेयर लॉस हो चुका है या फिर हो रहा है, इसीलिए आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन लिया है, राइट? जनरली लोग ट्रांसप्लांटेशन करवाने का तभी डिसीजन लेते हैं या तो इनका फ्रंटल हेयर लॉस हो चुका होता है, मतलब बॉल्डनेस उनका इजिली विजिबल होता है, लोग उन्हें टोकना स्टार्ट कर देते हैं कि आर यू सफरिंग फ्रॉम हेयर लॉस, पहले तो आपके बाल बहुत अच्छे थे, अभी आपके बाल बहुत कम लग रहे हैं, देन इवेंचुअली आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने का डिसीजन लेते हो, राइट? लेकिन इस सिचुएशन में अगर आपने जल्दी में आके अपने अर्ली 20s में हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा लिया, तो इससे 2 sides ऑफ कॉइन वाला सिचुएशन आके खड़ा हो जाता है, राइट? नंबर 1, या तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए, राइट? आपका स्कैल्प बिल्कुल नेचुरल लगे, कोई देख के बोले ना ट्रांसप्लांटेशन आपका हुआ है, बहुत नेचुरल हेयर लाइन है, और आपका जो करंट हेयर लॉस हो रहा था वो भी स्टेबल हो जाए, ये तो आइडियल सिचुएशन होती है, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 के बारे में, जहां पे आपका ट्रांसप्लांट का रिजल्ट तो आ जाए लेकिन आपका जो हेयर लॉस हो रहा है, जो करंट हेयर लॉस हो रहा था, वो वैसे ही होता रहे, वो इनफैक्ट प्रोग्रेसिवली बढ़ता चला गया, इससे आपका जो लुक होता है वो अनइवन दिखता है, क्योंकि ट्रांसप्लांटेड हेयर तो आपके बहुत अच्छे लगते हैं, राइट? आपने अर्ली 20s में ट्रांसप्लांट कराया तो ऑब्वियसली रिजल्ट डेंस आएगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हेयर है आपने उसको तो कंट्रोल किया नहीं, और वहां पे आपके
जो डेंसिटी है वो बहुत अनइवन दिखती है और आपको बार बार ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आपके डोनर एरिया को झेलना पड़ता है। बार बार आपके डोनर से एक्सट्रैक्शन की वजह से एक्सेसिव स्कारिंग तो हो ही जाती है, मतलब इनफेक्ट बहुत बड़े बड़े दाग दिखते हैं आपके डोनर एरिया में। और ट्रस्ट मी, बार बार एक्सट्रैक्शन के बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कई लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं जिन्होंने अर्ली 20s में अपना ट्रांसप्लांट करवाया होता है, रिजल्ट अच्छा आया होता है, नो डाउट। डेंसिटी थोड़ी अनइवन लगती है और सबसे बेकार उनका डोनर एरिया खराब हो जाता है। आप सोचिए आपकी लाइफ में अगर आप चार बार एक्सट्रैक्शन करो एक ही डोनर एरिया से, तो ऑब्वियसली वहां पे स्कार्स आपके रह जाएंगे और स्कार्स ऐसी चीज जो लाइफ टाइम रहती है। आप SMP भी करवा लोगे लेकिन फिर भी अनइवन सा दिखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बार बार एक्सट्रैक्शन और SMP करवाने की वजह से वहां पे आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब आपका डोनर खराब हो जाता है वहां से ग्राफ्ट निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, राइट? तो वो आपका लास्ट हेयर ट्रांसप्लांट होता है। देखिए मल्टीपल हेयर ट्रांसप्लांट, बार बार ट्रांसप्लांट करवाना आपके सिर्फ पॉकेट पे भारी नहीं पड़ता, ये आपके लुक पे भी भारी पड़ता है। देखिए आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बहुत ही रेनोन डॉक्टर ने कहा था कि एक कॉमन टाइप का हेयर फॉल और हेयर लॉस देखा जा रहा है आज के डेट में, जिसमें आपके फ्रंटल स्कैल्प में तो हेयर है आपकी फ्रंटल हेयरलाइन ठीक है, लेकिन आपके मिड स्कैल्प में हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और इन केसेस में जो ये पेशेंट इन सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो दो ही चीज मांगते हैं। नंबर वन, मेरा दोबारा से ट्रांसप्लांट कर दो, जिससे आपके स्कैल्प में आप मानो ना मानो एक नया स्ट्रेस डेवलप होता है। और या फिर वो बोलते हैं कि जो मेरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, जो मेरे फ्रंट में जो बाल अभी दिख रहे हैं बीच में गायब हो गए, उन बालों को भी निकाल दो तो फ्रंट में बाल दिख रहे हैं, जिसको बोलते हैं रिवर्स हेयर ट्रांसप्लांट। मतलब जो बाल लगाए गए थे आज से कुछ साल पहले उनको वापस निकालने के लिए लोग डॉक्टर्स के पास अप्रोच कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, जो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आपका आया था इतने ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद, इतना ज्यादा टाइम लगाने के बाद, उन बालों को वापस से निकालना पड़ता है। ट्रस्ट मी, इससे आपके पूरे दिमाग में फर्क पड़ता है, राइट? आपकी मेंटालिटी में फर्क पड़ेगा और आपका फिर किसी भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट से भरोसा उड़ जाता है और आप एक नेगेटिव इमेज बनाना स्टार्ट कर देते हो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, जस्ट बिकॉज आपने गलत डिसीजन लिया गलत टाइम पे ट्रांसप्लांट करवाने का। आप पूरी की पूरे ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री को बदनाम करना स्टार्ट कर देते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, राइट? अब जैसे कि आपने कुछ रिजल्ट देखे पेशेंट के, जहाँ पे पेशेंट के एग्जिस्टिंग हेयर झड़ चुके थे, सिर्फ ट्रांसप्लांटेड हेयर रह गए थे फ्रंट में, अगर आपके भी ऐसे रिजल्ट आते हैं तो आपका ट्रांसप्लांटेशन को लेकर सारी होप्स खत्म हो जाती है, राइट? अब ऐसे ऑकवर्ड केसेस में एक्सेसिव स्कारिंग, बैड रिजल्ट्स इवन आफ्टर ट्रांसप्लांट, बैड ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन एंड सो फंगल इन्फेक्शन जिसकी वजह से सीरियस इंजरीज और प्रॉब्लम हो सकती है, मानो ना मानो ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो ऐसे रिजल्ट्स को अवॉइड करने के लिए आप अपनी लाइफ में आज ही कुछ चेक पॉइंट्स रख लें। नंबर वन, अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ योर हेयर फॉल। सबसे पहले तो आपको अपने हेयर फॉल का लेवल समझना चाहिए। इसको आपको मेजर करना पड़ेगा ग्रेड ऑफ बॉन्डनेस के स्केल से कि आपका फ्रंटल हेयर लॉस हुआ है, क्राउन में हेयर लॉस हुआ है, या फिर आप किसी और टाइप के हेयर लॉस से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपको अपना हेयर लॉस का ग्रेड टाइप ऑफ हेयर लॉस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर टू, अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई कैन डू फॉर दिस केस। आप घर के अंदर कैसे ऑयलिंग करें, कैसे शैम्पू करें, कैसे आप डैंड्रफ और डस्ट को रिमूव करें अपने स्कैल्प से, और क्या डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए, ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी बॉडी के बारे में सब कुछ समझ सकते हैं, देन यू शुड स्टार्ट विद दिस स्टेप फर्स्ट। बेटर ईटिंग कैन गेट यू द बेस्ट हेयर रिजल्ट्स। नंबर थ्री, अंडरस्टैंडिंग द हेल्प ऑफ द डॉक्टर, राइट? देखिए डॉक्टर्स आपको सिर्फ प्रोसीजर्स में नहीं, आपको हर स्टेप में हेल्प कर सकते हैं, फ्रॉम प्लानिंग अबाउट द हेयर फॉल, फ्रॉम चूजिंग द राइट प्रोसीजर्स, एंड फ्रॉम एडवाइसिंग रिगार्डिंग योर पर्सनल हैबिट्स। अ डॉक्टर कीप्स हेयर फॉल अवे इफ यू आर रेडी टू हेल्प देम। नंबर फोर, अंडरस्टैंडिंग द वेरियस प्रोसेसेस, राइट? सारे होम के सर्जिकल और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में आप पहले समझें। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट स्टेप, राइट? हमेशा आपकी समझ ही आपको एक बेहतर रिजल्ट्स की तरफ ले जाएंगी। नॉलेज गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट्स, इसीलिए आप सबसे पहले प्रोसीजर को एटलीस्ट समझें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में, जो कि अंडरस्टैंडिंग द राइट प्रोसेसेस, राइट? अब आपने डॉक्टर से भी ओपिनियंस ले लिए, आपने हमसे भी ओपिनियंस ले लिए, बट करना आपको अपनी ही चॉइस से है, राइट? और वो चॉइस वेर इनफॉर्म्ड बिकम्स द राइट चॉइस। और ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताया, ये सारे स्टेप्स आपको एक बेहतर रिजल्ट्स की तरफ ले जा सकते हैं और किसी भी खराब रिजल्ट से आपको 99% दूर रख सकते हैं। और ये स्टेप्स अगर आप सारे फॉलो कर लोगे, आई कैन अश्योर यू, आपको बार बार ट्रांसप्लांटेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि मुझे नहीं पड़ी। आई गॉट माय हेयर ट्रांसप्लांट डन 7 years बैक ऑलमोस्ट, राइट? एंड स्टिल मैंने एक ही ट्रांसप्लांट कराया। लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, जो वेबसाइट्स में लिखते हैं कि हमें 5-5 बार ट्रांसप्लांटेशन करवाना,
करवाना पड़ा, वी आर हैप्पी। देखिए हैप्पीनेस इज अ सब्जेक्टिव टर्म राइट, किसी की हैप्पीनेस कहीं पे होती है किसी की कहीं पे। मेरी हैप्पीनेस सिंपल है, मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ में एक बार ट्रांसप्लांटेशन करवाओ, अच्छे से करवाओ, बार बार ट्रांसप्लांटेशन को अवॉइड करो राइट। और इसीलिए मुझे वीडियो बनाना जरूरी पड़ा, क्योंकि आज की डेट में लोगों के माइंड सेट में आ गया है कि चल छोड़ इस बार ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हैं, रिजल्ट नहीं आए तो दोबारा करवा लेंगे कहीं और से। लुक इट्स नॉट अबाउट द मनी ओनली, इट्स अबाउट योर टाइम। आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन सिर्फ पैसे ही खर्च नहीं कर रहे हैं, आप अपने लाइफ के 6 महीने भी इन्वेस्ट करने वाले हो राइट। तो कोशिश करें एक ही बार ट्रांसप्लांट करवाएं और अच्छे से ट्रांसप्लांट कराएं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।